में जी सुनते लोहे का एक कण भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी 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 ऐसा क्यों? देखिए हम लोगों को यह कहा गया कि जैसे अन्य मंदिर हैं वैसे ही इसका भी 1000 वर्ष का जीवन काल होना चाहिए। अब वो जीवन काल तो ठीक है लेकिन वो कैसी टेक्नोलॉजी थी जो बनी पुराने जमाने में हमारे अतीत में वो कहीं लिखा नहीं है, तो हम लोगों को अनुमान करना पड़ा अध्ययन के से, और इसके लिए हम लोगों ने IITs चुने। 5 IIT चुने गए और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट चुना गया। उन सब ने और यहाँ अयोध्या के साधु संत और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से मांग की कि स्टील तो इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि उसका जीवन काल ही 94 साल है, तो वो कैसे आप कर लेंगे? तो इसमें कहीं स्टील नहीं है, और जो भी अब उसके बाद इसका स्पेसिफिकेशन है ये IIT चेन्नई के स्पेसिफिकेशन से इसकी फाउंडेशन, इसका राफ, इसका प्लिंथ बनाया गया है, और जो स्टोन वॉल है पूरा 4 लाख स्क्वायर मीटर स्टोन इसमें लग रहा है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अध्ययन और रिसर्च करके बताया कि किस एंगल से कैसे लगेगा। इसमें आप यूँ सोचें कि CBRI ने इनके सिमुलेशन जो किए इन पिलर्स के, तो जो यहाँ पर सर्वाधिक एक तरीके से ताकत से अर्थक्वेक आया उसका 50 गुना ज़्यादा उन्होंने कंप्यूटर पे सिमुलेट किया, और वो सिमुलेट करके उन्होंने इसके स्पेसिफिकेशंस बताए कि किस प्रकार पत्थर एक के ऊपर एक डलेंगे, और इतनी सारी शर्तें जिसको SOP कहते हैं रखी कि एक साथ पूरे में पत्थर नहीं लग सकता, पत्थर को भी उनके हिसाब से हर पिलर के सपोर्ट पर लगे, टेस्ट हो, फिर आगे।